नमस्कार दोस्तों, मैं थोड़ा दोस्त मनु मोड़ जी। मैं तो पता है कि पंजाब आंगनवाड़ी दिया जॉब रिक्रूटमेंट दिया अनाउंसमेंट हो चुकी है। इन्हें जॉब वैकेंसीज रिलेटेड मैं ऑलरेडी एक वीडियो पहले तो प्रोवाइड करवा चुके हैं। जो तुम नहीं देखी तो वीडियो के एंड विच तो वो वीडियो मिल जाएगी, एक बार जाकर विजिट जरूर कर लियो। तो अज की वीडियो में आप गल करेंगे जो इसका सिलेक्शन प्रोसैस है वह की रहेगा, एंड इस पोस्ट में अप्लाई करने जो फॉर्म में फिल करना है वह फॉर्म आप किमें फिल करना है, तो कि डाकूमेंट उस फॉर्म के नाल लाने हैं। दोस्तों सिलेक्शन प्रोसैस की गल करिए, इतने इन्होंने मैनशन किया हुआ है कि टोटल 33 नंबर जोड़े तुम्हें लेने ने, किमें ना किमें ही पूरे करने। जो तुम 33 नंबर ले लेने हो तो थोड़ा सिलेक्शन हो जाएगा। ये 33 नंबर किमें मिलेंगे, तो 10वीं क्लास का जो सर्टिफिकेट होगा, जिन्हें नंबर तुम्हें प्राप्त किए हैं उन्होंने बेस से यह 33 नंबर मिलेंगे। जे थोड़े 60% तो उपर ने नंबर तो थोड़ा इस 25 नंबर मिलेंगे। जे 45 एंड 60 के विचाले थोड़े नंबर तो इस 22 नंबर थोड़ा मिलेंगे, एंड जो 45% ने थोड़े नंबर तो इस 19 नंबर मिलेंगे। एंड जो विधवा कैंडीडेट अप्लाई कर रहे हैं उन्होंने 3 नंबर एक्सट्रा दिए जाएंगे, यह फ्री में 3 नंबर उन्होंने मिलेंगे। एंड जो इंटरव्यू होगा उसके भी 5 नंबर थोड़ा मिलेंगे। हुण इन सारे नंबरों को जोड़ के जो थोड़े 33 नंबर बनते हैं तो तुम सिलेक्ट हो जाते हो इस पोस्ट लई। दोस्तों उम्मीद है तुम्हें यह पूरा प्रोसैस समझ के आ गया होगा। जे आ गया है तो वीडियो में यस लिख के कमेंट कर दो, उस तो बाद वीडियो में लाइक भी जरूर कर दो। तो हम आप गल कर लीजिए यह पोस्ट अप्लाई किमें करनी है। दोस्तों इस तरह का परफॉर्म आपू बाय करना पवेगा, तो यह परफॉर्मे आप कुछ फिल करना तो दस दिना। मैं सब तो पहले इतने अपनी पासपोर्ट साइज फोटो लगा लेनी है, तो अपना नाम फिल कर लेना है, अपने पिता का या पति का नाम इतने फिल करना है, तो अपना एड्रैस इतने फिल करना है, तो अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, इस तो बाद अपना मोबाइल नंबर, तो अपना आधार कार्ड नंबर इतने फिल कर लेंगे। हुण नीचे इन्होंने मैनशन की किया हुआ, जे उम्मीदवार दिव्यांग है, फिजिकल हैंडीकैप्ट है, तो आप इतने यस लिख देंगे, नहीं तो ना इतने लिख देंगे। जेकर हाँ दिव्यांग है कैंडीडेट तो किन्ने परसेंट है, 40-45% के विचाले है, तो आप इतने मैनशन कर देंगे। जेकर उम्मीदवार विधवा है हाँ या ना इतने लिख देंगे। जे विधवा कैंडीडेट इस पोस्ट में अप्लाई कर रहे तो उन्होंने हसबैंड का जो डैथ सर्टिफिकेट उन्होंने को होना लाजमी है। एंड एक गल होर दोस्तों, जो तुम्हें यह परफॉर्मा नहीं मिल रहा तो यही मेरा इंस्टाग्राम आई डी नंबर है, इस मैं फॉलो करके मेरे नाल गल करके परफॉर्मा लै सकते हो। इस तो बाद फोर्थ नंबर इतने इन्होंने लिखा हुआ है कि उम्मीदवार उम्र छोट चाहता है, हाँ या ना इतने आप लिख देंगे। इस तो बाद अपनी कैटेगरी जनरल SC VC जी कैटेगरी आप इतने लिख देंगे, अपनी तरजीही श्रेणी का आप हाँ या ना इतने आंसर लिख देंगे। हूँ इस तो बाद अपनी एलिजिबिलिटी की डिटेल आप इतने फिल करनी है, ग्रैजुएशन आप कि यूनिवर्सिटी तो पास की है, जिड़ी भी यूनिवर्सिटी से ग्रैजुएशन पास की है उस यूनिवर्सिटी का आप नाम लिख देंगे, तो सबजैक्ट के इतने नाम लिख देंगे, किन्ने नंबर प्राप्त हुई सी, किन्ने परसेंट बनते हैं। इस तो बाद पोस्ट ग्रैजुएशन की अपनी डिटेल लिखनी है, किड़ी कॉलेज या यूनिवर्सिटी तो की है, पढ़े हुए विषयों के नाम, कुल प्राप्त अंक एंड प्रतिशत किन्ने परसेंट बनती है। नीचे आप डिटेल लिखनी है, 10वीं क्लास में आपी सबजैक्ट लिता से या नहीं, तो हाँ या ना भी आप इतने लिख देंगे। इस तो बाद 9 नंबर से इन्होंने लिखा हुआ है कि तुम ग्रैजुएशन हेठा दिते किसी विषय में पढ़े हो, बाल विकास, मनुखी विकास, मनोवैज्ञानिक, न्यूट्रीशियन, अर्थशास्त्र या समाज शास्त्र या होम साइंस या समाजिक कम रिलेटेड तुम ग्रैजुएशन की है, जे हाँ तो इतने हाँ लिख देंगे, जे ना तो ना लिख देंगे। जे दोस्तों ये तुम इन्ना स्ट्रीम बच्चे ग्रैजुएशन की है तो इसके 3 नंबर होर एक्सट्रा मिलेंगे। एंड इस तो बाद नीचे कुछ नहीं करना, जिस दिन यह फॉर्म तुम अप्लाई कर रहे हो उसी डेट इतने फिल कर देंगे, तो अपने शहर का नाम इतने फिल कर देंगे, इतने सिग्नेचर आप करके इन डाकूमेंट्स की फोटो कॉपी इस फॉर्म के नाल अटैच करके आपको सेंड करनी है। उम्र के सबूत लिए अपने को जन्म का सर्टिफिकेट, 10वीं का सर्टिफिकेट या पैन कार्ड होना लाजमी है, और एड्रेस सबूत वास्ते अपने को आधार कार्ड, वोटर कार्ड या पासपोर्ट अपने को होना लाजमी है, और अपनी कैटेगरी का सबूत यानी श्रेणी का सबूत लिए आप SC VC सर्टिफिकेट भी होना लाजमी है। जे हैंडीकैप कैंडीडेट को इस पोस्ट में अप्लाई कर रहा है तो 40-50% का जो फिजिकल डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट होंगे वह उसकी फोटो कॉपी अपन लानी पवेगी। इस तो बाद विद्यक योग्यता के सर्टिफिकेट अपने 10वीं का और ग्रैजुएशन का डिग्री समेत DMC सर्टिफिकेट की फोटो कॉपी अपन लानी पवेगी। इस तो बाद जो विधवा कैंडीडेट इस पोस्ट में अप्लाई कर रही है तो पति की मौत का सर्टिफिकेट भी लाना लाजमी है। हम दोस्तों तुम ये फॉर्म रेडी करके सारे डाकूमेंट अपने फॉर्म के नाल अटैच करके करना की है। हम दोस्तों अपने इलाके नाल संबंधित ब्लाक विकास प्रोजेक्ट ऑफिसर नूं जां तां बाय हैंड तुसीं पकड़ा के आ सकते हो अपना फॉर्म, जां रजिस्टर पोस्ट राही या रजिस्टर डाक राही तुसीं इस फॉर्म नूं भेज सकते हो उन्हां दे ऑफिस विच। ओके दोस्तों, जे इस पोस्ट रिलेटड होर कोई जानकारी तुसीं लैना चाहुंदे हो या तां वीडियो विच कमेंट कर दो या इस इंस्टाग्राम आई डी ते मैनूं फॉलो करके मेरे नाल गल करके पूरी जानकारी लै सकते हो। एंड जे इह वीडियो बेनीफिशियल लगदी है प्लीज़ चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर दिओ।